आईपीएल 2023 रिलेटेड हर एक टीमों के ऊपर डेली बेसिस पर वीडियो ले आने का मैं कोशिश करता हूं और उस कोशिश को मैं जारी भी रखा, ठीक है। तो उस जगह पर आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले होंगे SRH यानी सनराइजर हैदराबाद के बारे में। तो सनराइजर हैदराबाद के बारे में क्या बात करने वाले होंगे, जैसा कि मैं इससे पहले भी बहुत सारे टीमों के बारे में बात कर चुका हूं कि हर एक टीम का टारगेटेड लिस्ट क्या बन सकता है ना, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। देखो सिर्फ टारगेटेड लिस्ट मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है, उसके साथ भी बहुत कुछ रहता है, जैसा कि कितना कितना स्लॉट अवेलेबल है, उसके साथ एक प्लेइंग 11 मैं बनाता हूँ, प्लेइंग 11 को देखकर प्रॉब्लम्स को देखता हूँ कि कहाँ कहाँ पर खिलाड़ी लोग चाहिए, उस जगह पर ना मैं टारगेटेड प्लेयर्स का नाम बताता हूँ और बेहतरीन बेहतरीन टारगेटेड प्लेयर्स का नाम बताऊंगा। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखो, ठीक है। अगर कहीं से भी नए आगे हो ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो और ऑल नोटिफिकेशन को दबा लो, क्योंकि ऐसा वीडियो ना कहीं पर नहीं आता है, इस चैनल पर आता है, तो सब्सक्राइब करके रखो और एक बार लाइक करना, क्योंकि लाइक करने में ना एंगेजमेंट बढ़ता है, लाइक कर दो। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें हो गया। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये जो टीम है ना, इस टीम को ना बेहतरीन खिलाड़ी चाहिए, क्यों पता है, क्योंकि इस टीम के पास अगर आप देखने को जाओ ना तो बैलेंस पर्स सबसे ज्यादा अवेलेबल है। तो कितना बैलेंस पर्स अवेलेबल है वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि इस टीम के पास टोटल 42.5 करोड़ रुपए अवेलेबल है। उसके साथ मैं अगर बात करूँ तो अवेलेबल स्लॉट है टोटल 12, उनमें से ओवरसीज स्लॉट है 4, मतलब 4 ओवरसीज खिलाड़ी को टारगेट आप कर सकते हो। उसके साथ टोटल इंडियन स्लॉट है 8। और मैं एक बार बता देना चाहूंगा कि मैं ना जो जो जगह पर खिलाड़ी लोग चाहिए वो जगह पर मैं खिलाड़ी लोग बताऊंगा, मैं एक्स्ट्रा मतलब इतना 12 खिलाड़ी का मैं टारगेटेड लिस्ट में नहीं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जिस जिस जगह पर खिलाड़ी लोग चाहिए, तो किस किस जगह पर खिलाड़ी लोग चाहिए आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो वो कैसे पता लगाऊंगा कि कहां कहां पर खिलाड़ी लोग चाहिए, तो आप ना सबसे पहले बेस्ट चॉइस प्लेइंग 11 देखो, जो कि मैं रेडी किया हूं रिटेन्ड लिस्ट से, ठीक है। तो आपको देखने को मिल रहा है रिटेन्ड लिस्ट, ये था रिटेन्ड लिस्ट, और अभी आप देखो कैसा प्लेइंग 11 बना है इस रिटेन्ड लिस्ट से। सबसे पहले मैं रखा हूं अभिषेक शर्मा, लेकिन उनके साथ कौन ओपन करने वाला है ना, वो जगह अभी भी खाली है, तो उस जगह पर मैं खाली ही रखा हूं, मतलब ब्लैंक रखा हूं। उसके बाद आपको देखने को मिलगा तीसरे नंबर पे राहुल त्रिपाठी है, 4 नंबर पे एडियन मार्करम को मैं रखा हूं, 5 नंबर पे मैं ग्लेन फिलिप्स को रखा हूं जो कि विकेट कीपिंग भी करेगा। उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है कि अब्दुल समद है 6 नंबर पे, 7 नंबर पे वॉशिंगटन सुंदर है, 8 नंबर पे भुवनेश्वर कुमार है, 9 नंबर पे टी नटराजन है, और लास्टली 10 नंबर पे उमरान मल्लिक है, लेकिन 11 नंबर का स्थान ना खाली है। तो उस जगह पर देखो मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पिनिंग ऑप्शन चाहिए आपको, तो मैं बताता हूं कि कौन कौन सी जगह पर खिलाड़ी लोग चाहिए अभी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ओपनिंग ऑप्शन आपको चाहिए, मैं वहां पर एक विदेशी खिलाड़ी का भी नाम लूंगा, वहां पर मैं एक भारतीय खिलाड़ी का भी नाम लूंगा, उनमें से आप चूज करोगे कि आपको कौन सा खिलाड़ी चाहिए। उसके बाद अगर आप गौर से देखो ना, तो इधर पर आपको देखने को मिलेगा कि एक बैकअप मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज भी आपको चाहिए, बैकअप मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज में बताया, ठीक है, वो उसमें गौर देना। तो बैकअप मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज आपको चाहिए, वो अगर भारतीय हो तो भी बेहतर रहेगा, क्योंकि विदेशी आपको खिलाने का भाई जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस जगह पर बैकअप भारतीय खिलाड़ी भी आपको चाहिए। तो उसके साथ मैं अगर बताऊं ना, तो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन इस टीम को बेहतर चाहिए, जो कि इस टीम को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और एक बात लास्टली, इस टीम को ना एक बेहतर कप्तान चाहिए, और कप्तान कौन बन सकता है उसके ऊपर भी बात होगा, डेप्थ में बात होगा, और ये पॉइंट को देखने के लिए अंत तक वीडियो में बने रहो। तो सबसे पहले देखो ओपनिंग कॉम्बिनेशन के तहत किसको टारगेट किया जा सकता है SRH के द्वारा। मैं सबसे पहले एक विदेशी खिलाड़ी का नाम बताऊंगा, जो कि रैली रूसो। रैली रूसो एक साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी है, रिसेंट टाइम में साउथ अफ्रीका में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करने वाला ये टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, जेन्युइनली मैं अगर बताऊँ ना, तो इस खिलाड़ी के पास जो हिटिंग एबिलिटी है वो तबाही वाला हिटिंग एबिलिटी है, ठीक है। और वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में ना अपना रंग दिखाने वाला खिलाड़ी साउथ अफ्रीका की ओर से ये खिलाड़ी था, जो कि बेहतरीन तरीके से खेल रहा था। तो मैं बताऊंगा कि रैली रूसो एक बेहतर खिलाड़ी का ऑप्शन रहेगा, आपके पास बैलेंस पर अवेलेबल है, ज्यादा कम रेट में अगर मिल जाए तो खरीद सकते हो। और उसके साथ जिस भारतीय खिलाड़ी का मैं नाम लेने वाला हूँ ना, वो भारतीय खिलाड़ी है मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल एक ऐसा खिलाड़ी है ना, जो कि आपके लिए ओपन भी कर सकता है, आप अगर उनको चाहो ना तो कप्तानी वाला रोल भी निभाने के लिए दे सकते हो, लेकिन मेरे माइंड में ना एक अलग वाला कप्तान बैठा हुआ है, तो उस जगह पर मैं बात करूंगा। लेकिन मयंक अग्रवाल भी आपके लिए चॉइस बन सकता है, ठीक है। उनका रेट बढ़ेगा, मैं बता दे रहा हूं, मयंक अग्रवाल का रेट बढ़ेगा, लेकिन आपके पास पैसा है, तो पैसा जब है तो खर्च करने को प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो उस जगह पर मैं बताऊँ कि मयंक अग्रवाल भी एक बेस्ट ऑप्शन बनेगा। मयंक अग्रवाल के ऊपर ना क्या डिस्क्रिप्शन दूं, आप सभी लोगों को पता है कि बंदे के पास क्वालिटी है, ठीक है, तो उतना डिस्क्रिप्शन देने का भी कोई भी लाभ नहीं है। उसके बाद जहां पर खिलाड़ी चाहिए, जहां पर टारगेट करना चाहिए, वो है बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैटिंग ऑप्शन, ठीक है। तो मिडिल ऑर्डर में ना इस टीम को एक भारतीय खिलाड़ी चाहिए, और मैं अगर भारतीय अगर मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाज की मैं बारे में बात करूं ना, तो वहां पर ना आपको ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं मिलेगा,
सब युवा खिलाड़ी को आप ले सकते हो, लेकिन मेरे मुताबिक ना एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी अगर आपके टीम में रहे ना तो कोई भी कमी नहीं होगा। तो उस जगह पर मैं बताऊँ कि अगर आपको बैकअप तरीके से लेना हो ना तो आप केदार यादव को रख सकते हो। केदार यादव कम रेट में मिल जाएगा आपको, आप उनको बैकअप तरीके से रख सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, जो कि नहीं आएगा। तो उस जगह पर मैं बताऊंगा कि आप केदार यादव के ऊपर जा सकते हो, केदार यादव को ना अपने स्क्वाड में शामिल करके रख सकते हो बैकअप तरीके से, ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो ये एक ऑप्शन बनेगा। और अगर आप चाहते हो कि एक विकेट कीपिंग ऑप्शन आपको चाहिए तो उस जगह पर मैं बताऊंगा कि एन जगदीशन एक ऑप्शन बनेगा, लेकिन बहुत सारा टीम उनके ऊपर जाएगा लाइक केकेआर की तरह, ठीक है। तो उस जगह पर मैं बताऊँ कि एन जगदीशन को भी टारगेट कर सकते हो, कम रेट पे मिल जाए तो एन जगदीशन को भी उठा सकते हो, ठीक है, ये एक ऑप्शन बनेगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि स्पिनिंग ऑप्शन आपको चाहिए, स्पिनिंग ऑप्शन नो डाउट आंखें बंद करके आपको चाहिए। मैं दो स्पिनिंग ऑप्शन का नाम बताऊंगा, एक विदेशी होगा एक भारतीय होगा। तो जो भारतीय होगा वो कौन होगा, वो होगा आपका मुरुगन अश्विन। मुरुगन अश्विन के पास जो स्पिनिंग वाला क्वालिटी है ना, वो रिसेंट टाइम में जो अवेलेबल खिलाड़ी का लिस्ट है ना, उन सभी में से सबसे ज्यादा बेहतर है। मुरुगन अश्विन का जो लेग स्पिन वाला रोल रहता है वो बेहतर है। तो उस जगह पर मैं चाहूंगा कि अगर आप मुरुगन अश्विन को ले पाते हो तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप एक विदेशी की जगह आप एक भारतीय स्पिन बॉलिंग ऑप्शन को खिला सकते हो। लेकिन अगर आपको विदेशी अपने स्क्वाड में शामिल करना हो ना तो मैं बताऊंगा कि आप एडम जाम्पा के ऊपर जा सकते हो, जो कि ऑस्ट्रेलिया नो डाउट एक्सपीरियंस दर खिलाड़ी है। उसके साथ ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में उनका जगह बनता है और वो ऑस्ट्रेलियन स्पिन बॉलिंग अटैक को लीड करता है। तो इसके अलावा और क्या डिस्क्रिप्शन दो इस खिलाड़ी के बारे में, क्योंकि ये खिलाड़ी एक बेस्ट परफेक्ट ऑप्शन बनेगा। अगर आपको बेस्ट प्राइस में मिल जाता है तो आप इनको खरीद सकते हो, ये एक ऑप्शन बनेगा। उसके बाद मैं जिस खिलाड़ी के बारे में बात करूंगा, जिस जगह पर टारगेट लिस्ट के ऊपर बात करूंगा ना, वो होगा आपका कप्तानी ऑप्शन। इस टीम के लिए कप्तानी कौन कर सकता है, मेरे मुताबिक आंखें बंद करके बेन स्टोक्स के ऊपर जाओ। वो इंग्लैंड के ओर से टेस्ट का भी कप्तानी करता है, T20 में बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, मैच विनिंग वाला नॉक खेलता है। उसके साथ मैं अगर बात करूँ ना तो बेन स्टोक्स के पास जो हिटिंग एबिलिटी है ना वो भी बहुत ही बेहतर है, उसके साथ गेंदबाजी का ऑप्शन भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसा ऑलराउंड खिलाड़ी को अगर आप चाहते हो तो आपको ज़्यादा रकम फेंकना पड़ेगा, जो कि आपके पास है रकम आप फेंक सकते हो। तो उस जगह पर मैं बताऊंगा कि नो डाउट बेन स्टोक्स के ऊपर जाओ और बेन स्टोक्स को खरीदो, अपना कप्तान बना दो, एक बेस्ट चॉइस प्लेइंग 11 खिला दो, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतर एक ऑप्शन बनेगा। उसके अलावा मैं किसी भी खिलाड़ी के ऊपर नहीं देख रहा हूं कि SRH का कप्तान बनेगा, लेकिन अगर आपको देखना हो कि कौन कौन सा खिलाड़ी के ऊपर जाया जा सकता है बेन स्टोक्स को छोड़कर भी, तो ये वाला प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो, ये वाला वीडियो मैं बनाकर रखा हूं, ठीक है। तो अभी मैं अगर बात करूं ना तो ये था टोटल मेरा टारगेटेड लिस्ट, आपको देखने को मिलेगा। मैं रखा हूं रैली रूसो, उसके साथ मयंक अग्रवाल को, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मैं केदार यादव, उसके साथ एन जगदीशन को भी रखा हूं, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि मैं मुरुगन अश्विन और एडम जाम्पा को भी रखा हूं और बेन स्टोक्स को भी रखा हो। तो इस जो मैं टारगेट लिस्ट बताया ना, इस टारगेट लिस्ट में अगर सक्सेसफुली आपका बिड होता है, ये लिस्ट को अगर आप ठीक ठाक तरीके से ग्रैब कर लेते हो तो आपका ना जो प्लेइंग 11 है ना वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि आप ओपनिंग में अभिषेक शर्मा के साथ जा रहे हो बेन स्टोक्स के साथ, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर राहुल त्रिपाठी, 4 नंबर पे एडन माक्रम, 5 नंबर पे ग्लेन फिलिप्स, 6 नंबर पे अब्दुल समद, 7 नंबर पे आपका वाशिंगटन सुंदर हो गया, 8 नंबर पे आप भुवनेश्वर कुमार को खिला रहे हो, उसके बाद 9 नंबर पे टीना चचन, 10 नंबर पे उमरान मल्लिक और लास्टली 11 नंबर पे आप एडम जाम्पा को भी खिला सकते हो। ये अगर प्लेइंग 11 रहता है तो भाई नो डाउट एक बहुत ही बेहतर प्लेइंग 11 आपको देखने को मिलेगा, जो कि SRH की तरफ से खेलेगा और आई थिंक SRH एक बेहतर टीम क्रिएट करेगा, यही होप करूंगा, क्योंकि पार्स जो बेहतर है ना वो भाई काम में लगाओ और बेहतर एक प्लेइंग 11 रेडी करो। आप सभी लोगों के मुताबिक क्या लगता है कि कैसा प्लेइंग 11 रेडी हो सकता है वो जरूर से कमेंट पर बताना। तो अभी के लिए बस इतना ही, ऐसा ही वीडियो और भी देखने के लिए ना इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसा ही वीडियो और भी आता रहेगा, लाइव में भी आता रहूंगा, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है IPL से पहले भी और इंडियन टीम से जुड़ी हुई भी। और अगर आपको देखना हो ना कि 2 करोड़ बेस्ट प्राइस वाला खिलाड़ी में से कौन कौन सा खिलाड़ी बिक सकता है और कौन कौन सा खिलाड़ी अनसोल्ड भी जा सकता है, उसके ऊपर ये वीडियो रेडी किया हुआ है, जाओ जाकर ये वाला वीडियो देखो, बहुत ही बेहतर वीडियो है, ठीक है, जाओ जाकर देखो। बाय, टेक केयर।